जो आप पूछ रहे हैं जीएसटी का स्लैब, तो जीएसटी का जो स्लैब है वो रखा गया है 5%, 10%, 12%, 18% या 28%। अब तो देखिए यहां पर सीधा सीधा हमें कहां चलना है, परचेज वाउचर में F9 प्रेस करना है, परचेज वाउचर में आ जाएंगे। आगे यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लीजिए, वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। तो यहां कर देता हूं 1/4/2019, यही डेट थी, ये कर दिया हमने। यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो ए लगा लेते हैं, बाकी ये सब चीज आप फिल करते रहिएगा। एंटर प्रेस करके यहाँ पे आ जाइए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर परचेज अकाउंट लगा लीजिए। अब जो आपने लिया, जैसे रैकेट आपने लिया था, तो 20 पीस रैकेट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 10 पीस वो वाला है जो हम लोग उसी में रिटर्न करवा दिए थे और उसी में ही वो करवा दिए थे, जो अलग अलग जगह एंट्री पास होनी है वो अलग मैटर है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 20 पीस रैकेट का और आप ले रहे हैं और एक रैकेट की कीमत 200 रुपए है, 4000 रुपए आ गया। अब यहां पर समस्या क्या है कि जीएसटी तो इनेबल हो चुकी है, सारी चीजें सही सही हमने इनेबल कर लिया है, लेकिन अभी तक जीएसटी से संबंधित खाता नहीं बनाया हमने, जीएसटी से संबंधित लेजर नहीं बनाया, ठीक है। और दोनों ही चीज, और दूसरा सवाल आपका ये होगा कि अलग अलग तरह से जीएसटी, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 10% का जीएसटी लग रहा है, तो चार प्रोडक्ट अगर हम 10% ले लेंगे तो आपने, या फिर कोई ऐसा जीएसटी वाला प्रोडक्ट है जिसपे 28% का जीएसटी लग रहा है, तो चार प्रोडक्ट हमने 28% वाले ले लिए और बाकी का दो प्रोडक्ट हमने ले लिया 10% वाला, तो फिर तो उसपे बाय डिफॉल्ट वाली जीएसटी हम अप्लाई करेंगे, तो फिर ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं पाएगा। यहां पर प्रॉब्लम बहुत है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया था, लेकिन वो अलग से जीएसटी रेट सेट करने को लेकर था, तो इसमें सारी चीजें एक ही बार मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर आ जाएगा आपका जीएसटी का खाता, हमने बनाया नहीं है और हम टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, तो एकदम बढ़िया है, यहां ऊपर ही जाके बनाने का विकल्प दिया हुआ है। आप अगर टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, ये खाता बनाने वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें खाता बनाना है जीएसटी का, पहला जो जीएसटी है वो बना लेते हैं सी जीएसटी, तो यहां लिखता हूं सी जीएसटी, लिख दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए। अब यहां पर ग्रुप सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, तो घबराइए मत, जो भी जीएसटी TDS या TCS से रिलेटेड खाते बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो खाली आपको कीबोर्ड से डी प्रेस करना है, डी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो उसी में जाइए और एंटर प्रेस कीजिए। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कौन वाला जीएसटी है, जीएसटी है कि कोई और टैक्स है, ये पूछ रहा है, तो हमें जीएसटी ही करना है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये अब देखिए ये अलग अलग टाइप का जीएसटी दे रहा है, ठीक है, सेंट्रल टैक्स दे रहा है, सेस टैक्स दे रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स दे रहा है या स्टेट टैक्स दे रहा है। तो अभी हम सीजीएसटी यूज कर रहे हैं यानी सेंट्रल टैक्स यूज करेंगे, तो सेंट्रल टैक्स कर दिया। यहां पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इसको अभी आपको छूना नहीं है, ऐसे ही 0% इसको रहने दीजिए। यहां पर आइएगा और यहां पे नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब ऐसा होता है कि 220 रुपए 25 पैसे आएगा, तो ये 25 पैसा ना लेना बनता है ना तो देना बनता है, तो उसको राउंडिंग कर देंगे। राउंडिंग कर देंगे तो 0.5 या 0.5 से कम रहेगा तो वो पीछे चला जाएगा, मतलब 220 रुपए 45 पैसे हैं तो वो 220 रुपए बन जाएगा और 220 रुपए 51 पैसे हैं तो वो 221 रुपए बन जाएगा, तो इसे कहते हैं राउंडिंग। और यहाँ पे 3 लिख देता हूं कि 3 पॉइंट तक इसको राउंड करा सके, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पे देखिए जीएसटी हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद से इसने सीजीएसटी कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है, 561 रुपए, 4000 पे 561 रुपए 28% के हिसाब से इसने खुद कैलकुलेट किया है। अब दूसरा जो जीएसटी है, चूंकि सेम स्टेट की बात हो रही है ना, तो सेम स्टेट में क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो अब दूसरा वाला एसजीएसटी का खाता बना लेते हैं, तो एसजीएसटी वाला खतवा बना लेते हैं, तो ये एसजीएसटी हो गया और ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी ही है, इस बार क्या रहेगा, स्टेट टैक्स रहेगा, तो ये स्टेट टैक्स कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग, ये नॉर्मल राउंडिंग कर दिया, यहाँ पे 3 कर देता हूं, 2 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए दोनों सेम रेट में आया हुआ है, ये क्लियर हो जाएगा, इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेता हूं। अब इस एंट्री को जब हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगी, और कौन सी वाली एंट्री थी हमारी, ठीक है, यही एंट्री थी और ये एंट्री आपको दिखाई पड़ेगी। जब इसका प्रिंट आप निकालेंगे तो ये एंट्री कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी, ये एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ आई प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसमें जीएसटी का भी डिटेल दिखाई पड़ेगा आपको, जीएसटी कितना लगा हुआ है,
ठीक है, दिख रहा है। अगर हम अपनी दुकान का नाम प्रिंट करना चाहते हैं इस पे, ये शुभम एजेंसी जरूर लिखा हुआ है इस पे, रोहन बुक डिपो, ये इस तरह से दुकान का नाम जो लगा हुआ है ये इस पे प्रिंट होकर आ रहा है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं ये और आपके में ना आ रहा हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए भी उपाय है। ये देखिए यहाँ पर हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, और प्रिंटिंग के कॉन्फ़िगरेशन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल मैंने क्या दे रखा है, रोहन बुक डिपो दे रखा है। यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। कुछ और अगर आप टाइटल देना चाहते हैं, लाइक कुछ लोग कुछ इस तरह की चीजें लिखते हैं, जय माता दी, ठीक है, और एंटर प्रेस करके और इसको कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। और अब जब इसका प्रीव्यू देखेंगे आप तो टाइटल क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जय माता दी टाइटल दिखाई पड़ रहा है। और बाकी ये सब चीजें और ये सारे नाम वगैरह प्रिंट करने के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो जिसमें कि ये सारी चीजें सारी बातें मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ये सब हमें दिख रहा है, और लेकिन यहाँ पर रेट नहीं दिख रहा है हमें कि रेट कितना परसेंट लगाया गया है। तो रेट के लिए ये देखिए कितना परसेंट जीएसटी लगा है इस 4000 रुपए पे, ये रेट नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से बाहर आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा। अब इसमें एक ऑप्शन दिया होता है शो आइटम वाइज डिटेल, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है शो जीएसटी रेट इन परसेंट, तो बस इसको आपको यस कर देना है। यहाँ से डबल क्लिक कीजिएगा तो ये यस हो जाएगा। और अब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आप देखेंगे तो ये अभी इसमें दिखा रहा है, देखिए देखिए दिखा रहा है 28% जीएसटी रेट आया हुआ है, दिख रहा है ना, तो क्लियर है कैसे ये आएगा कैसे होगा। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो टैक्स लगाया वो 28% का लगाया हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बार अलग अलग टैक्स रेट अलग अलग प्रोडक्ट पे लगे तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले वाउचर में चलते हैं, परचेज वाउचर में, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, लाइक कीबोर्ड ले लेते हैं, डेट यही रहने देते हैं, और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, इसको लेकर के एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर परचेज अकाउंट रख दीजिए और यहाँ पे की प्रेस कीजिए। ये तो पहले हो चुका है, अब हमें कीबोर्ड लेना है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यहाँ कीबोर्ड कर देता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड किया, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे पीसेस भी बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। और यहाँ पर अलग से टैक्स रेट के लिए इसको एप्लीकेबल रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको एप्लीकेबल रखना है और यहाँ से ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिए। ये सारे ऑप्शन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसे इनेबल कर रखा है, फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पर ऑन वैल्यू रखना है हमें और यहाँ पे रखना है टैक्सेबल, टैक्सेबल रख करके यहाँ पर टैक्स थोड़ा कम लगेगा, 12% लगेगा, तो ये 12% कर दिया हमने। 12% करने के बाद एंटर प्रेस किया और फिर एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ गुड्स रखेंगे, सर्विसेज नहीं रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ कीबोर्ड पर टैक्स रेट सेट हो चुका है। अब मान लीजिए कि क्वांटिटी आपने 60 परचेस किया और रेट रहा 120 रुपए कीबोर्ड का, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रेट लग चुका है, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। फिलहाल एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे आता हूँ, और अब यहाँ पर हमें लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर बना हुआ है, ये लगा दिया हमने, और एसजीएसटी का भी लेजर बना हुआ है, ये भी हमने लगा दिया, ठीक है। ये अलग से टैक्स रेट हमने सेट किया। अब इसको अगर सेव कर लेता हूँ और अब इसका प्रिंट आउट देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ दो बार डीप, और यहाँ से देखिए अब इसका प्रिंट आउट आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने लगा रखा है, ऐसा मैंने सेट कर रखा है, आपने देखा ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेट जो है 12% का आ रहा है यहाँ पे। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि अलग से टैक्स रेट लगाना हो तो किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।